अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है, रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आप लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मतलब आई नॉर्मली वुड रिकमेंड कि आप ऑडियो में जवाब दें ताकि थोड़ी इंटरेक्टिव रहे क्लास। जो लोग ऑडियो में जवाब दे सकते हैं, तहा, सारिम, अरीबा, अगर आप तो सही है, नहीं दे सकते तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हार्मफुल गुड्स, ठीक है, उसको हम डी मेरिट गुड्स कहते हैं। अगर डी मेरिट गुड्स का आपको मतलब नहीं पता, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। गुड्स की क्लासिफिकेशन एक बहुत माइनर से टॉपिक है हमारा, जो कि हमने अगला पढ़ना है इंशाल्लाह। हार्मफुल गुड्स, ठीक है, जैसे सिगरेट्स वगैरह, ड्रग्स एंड सो ऑन। उसके अलावा और कोई गुड्स है जिन पर लग सकती है? कोई ऐसी कमोडिटी है जिसमें मिनिमम प्राइस लगेगी आपके लिहाज से? इम्पोर्ट्स इम्पोर्ट्स क्यों? ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट सर, सही क्योंकि रहे। हम, हाँ, गवर्नमेंट तो हमेशा चाहेगी इम्पोर्ट्स कम होता है कि हमारा तो क्या वैसे ही बात बैलेंस है, ऑफ पेमेंट नेगेटिव बेहतरीन लोकल इंडस्ट्री बेहतरीन, के प्रोडक्ट लेके और लोकल इंडस्ट्री भी ताकि आगे आए। इसको आप डिस्करेज करना चाह रहे हैं, कंजम्पशन, डिस्करेज कंजम्पशन इन दोनों के लिए, बिल्कुल ठीक है। बिकॉज यू वॉन्ट टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ इम्पोर्ट्स एंड यू वॉन्ट टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल गुड्स, तो आप इन ये दोनों को, बहुत अच्छा। और कोई गुड हो सकते हैं ऐसे आपके लिहाज से? मैं बता देता हूँ आपको, एक चीज को मैं डिस्कस नहीं किया है, वो है एग्रीकल्चरल गुड्स। क्यों, इस पर जरा सोचते हैं। कभी कभार गवर्नमेंट ना एग्रीकल्चरल गुड्स पे मिनिमम प्राइस लगा देती है, उसका रीजन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो पहले ये मैक्सिमम प्राइस के बारे में, अगर मैं एक चीज़ ये लिखूँ, मैक्सिमम प्राइस जिसको हम प्राइस सीलिंग भी कहते हैं, अगर मैं एक और इसकी बारे में एक चीज़ ऐड कर दूँ यहाँ पे आपकी इजाज़त से, तो केयर, इट इज एन अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू मेक द गुड या द कमोडिटी चीपर। सही है ना, ये एक अटेम्प्ट थी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट का इसमें एक ये कोशिश थी टू मेक दिस चीपर, टू मेक दिस सस्ता। गवर्नमेंट चाहती थी कि यार सस्ता हो जाए ये चीज़, ठीक है। इट इज एन अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू मेक द कमोडिटी चीपर। अब मसला क्या है कि, और वो सस्ता हो भी गया था, इवेंचुअली चीनी सस्ती हो गई लेकिन बिकी कम, ये एक अलग कहानी है, लेकिन सस्ती हो गई। सिमिलरली कैन वी से कि मिनिमम प्राइस इज एन अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट, दिस इज एन अटेम्प्ट बाय गवर्नमेंट टू मेक गुड्स एक्सपेंसिव, टू मेक द गुड एक्सपेंसिव। बिकॉज आप बोल रहे हैं कि दिस इज द मिनिमम एट विच यू कैन सेल, आप कम से कम इतने का बेचेंगे या इससे ज्यादा का बेचेंगे? मिनिमम का मतलब ये ना, कम से कम इतना या उससे ज्यादा। सवाल है जी 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 सर, जैसे फ्रेंच प्रोडक्ट आजकल कहा हुआ है कि इनको बैन कर दो, तो फिर वो भी डीमेरिट गुड्स हो जाएंगे ना? नहीं, जभी तो मैंने कहा डीमेरिट गुड्स का मतलब नहीं बता अभी हमें, डीमेरिट नहीं हो जाएंगे वो, वो लेबर, उसकी कोई, हाँ मैं अभी लेबर तक मैं आ रहा हूँ, लेबर तक मैं आ रहा हूँ, डीमेरिट गुड्स नहीं होंगे। डीमेरिट गुड्स की डेफिनेशन हमें नहीं पता अभी, डीमेरिट को हार्मफुल समझ लें सिर्फ, हार्मफुल। फ्रेंच वाली जो कहानी है वो एक तरीके से एक तरीके से इम्पोर्ट्स पे बैन होना चाहिए जनरली तो, लेकिन ये तो यार इस पर अच्छा तुमने अब गलत बात पर छेड़ दिया मुझे ना, मैं इस पर डिस्कशन करना चाहूंगा कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये गलत कहानी है। लेकिन खैर वहां पर मैं आता हूँ, फ्रेंच वाले को भी होल्ड करो, होल्ड करो। मैं मिनिमम प्राइस को खत्म करूंगा पहले। मैं ये बोल रहा था कि जैसा हमने कहा कि मैक्सिमम प्राइस वाज एन अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू मेक गुड्स चीपर, बाय द सेम टोकन वी कैन से कि मिनिमम प्राइस इज एन अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू मेक गुड्स एक्सपेंसिव, ठीक है, मेक द गुड एक्सपेंसिव, गुड्स नहीं, एक पर्टिकुलर गुड या कमोडिटी के ऊपर ये चीज लग रही होगी, ठीक है।
तो हमने कहा सही है, ये सिगरेट्स पे लगेगा, ये हार्मफुल गुड्स पे लगेगा, इम्पोर्ट्स पे लगेगा ताकि वो महंगे हो जाए, कंजम्पशन डिस्करेज हो, लेकिन ये एग्रीकल्चर गुड्स पे भी लग जाता है कभी कभार. वाई दिस? बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि फार्मर का भला हो. उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है टू गारंटी अ हाई प्राइस टू द फार्मर्स. लेकिन असल में आप चाहते हैं फार्मर का भला हो, और आप फार्मर का भला चाहते हैं एग्जैक्टली, इसीलिए आप सही कह रही हैं, बिकॉज़ वी वांट टू गिव सम इंसेंटिव टू द फार्मर, वी वांट द फार्मर टू नो यार कि भाई आप जो हैं वो बेहतर कमा सकते हैं. अगर फार्मर बोले ये मार्केट में प्राइस ही बहुत कम मिल रही है तो हम काम क्यों करें, तो गवर्नमेंट कहेगी नहीं नहीं यार आप ना, हम आपको एटलीस्ट इतनी प्राइस ऑफर कर रहे हैं. गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि मिनिमम प्राइस लग गई है. उसका फायदा होगा फार्मर को, नहीं होगा, नुकसान होगा? फायदा होगा, देख लो डायग्राम देख के बताए. सर फार्मर को फायदा ही होगा, वैसे जनरली भी फायदा ही होता है उनको तो. फायदा होगा, देख लो इस डायग्राम को देख लो. मिनिमम प्राइस लगने से होगा क्या? मिनिमम प्राइस लगने से ये होगा, डिमांड कम हो जाएगी. हाँ ना, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी. उस वक्त क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड में गैप आ जाएगा ना. दिस वुड बी द क्वांटिटी डिमांडेड, दिस वुड बी द क्वांटिटी सप्लाइड, देयर वुड बी अ बिग गैप इन द मार्केट, जिसको हम कहते हैं एक्सेस ऑफ सप्लाई. सप्लाई की एक्सेस हो जाएगी, लोग खरीदने को रेडी नहीं होंगे इतनी महंगी प्राइस पर, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि सप्लायर प्रोड्यूसर तो चाहेगा हम ज़्यादा सप्लाई करें. तो क्या ये पॉलिसी इफेक्टिव होगी? सर जब सब इसी रेट में बेच रहे होंगे तो फिर मार्केट के इक्विलिब्रियम ऊपर नहीं आ जाएगा? नहीं सर, अगर सप्लाई जैसे डिमांड फिर भी होगी ना, अगर लोगों को गुड्स महंगे भी मिल रहे हैं, एग्रीकल्चर तो वो है ना, हमारी नीड्स होंगी, नीड्स वाले बढ़ जाएंगे. तो फिर आप ये कह रहे हैं यार इसकी गैप बहुत कम होगा, मतलब आप इसको इनइलास्टिक बना लेते ना कि गैप बहुत कम आए, मतलब कि आप ये कह लें चले. सर लेकिन ऐसा भी होता है लोग नहीं लेते, फॉर एग्जांपल टमाटर महंगे हो जाते हैं तो लोग लेना छोड़ देते हैं, फिर हाँ बिल्कुल हो जाते. तो फिर वो इलास्टिक नहीं होगा, इलास्टिक होगा, समझ नहीं सप्लाई. तो अगर गवर्नमेंट ने बोला कि यार ये डिमांड सप्लाई से जो प्राइस आ रही है, टमाटर को सब्स्टिट्यूट तो लोग तो खरीदेंगे. आई मीन अगर खाने में डालना है तो टमाटर को सब्स्टिट्यूट नहीं है तो लोग तो खरीदेंगे ना. मैंने सुना तो दही यूज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट पर, नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, गरीब लोगों से पूछो, बिल्कुल कर सकते हैं, बताएंगे तुम्हें. नहीं असल में कर सकते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता इतनी नेसेसरी गुड है या नहीं है. लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा, अगर हमने मिनिमम सेट की इन इलास्टिक डिमांड के वक्त, तो जो गैप आ रहा है ना वो बहुत थोड़ा सा गैप आ रहा है. ये गैप जो है बहुत थोड़ा सा गैप है. तो आप कह रहे हैं कि गैप तो आएगा, वो तो डेफिनेटली आएगा अगर आपने इक्विलिब्रियम से ऊपर कोई प्राइस सेट कर दी. इफ दिस इज योर मिनिमम प्राइस देन देयर विड बी अ गैप एक, और उसको हम बोलेंगे यार कि अच्छा एक सेकेंड ना, मैं इसको जरा ये सेट कर दूं ताकि ये आपको जरा बेहतर दिखे. इनिशियल इक्विलिब्रियम जो था ना वो था क्यू नॉट, ठीक है, और जो गैप आने के बाद कहानी हो रही है वो ये हो रही है. सर आप एक शॉर्ट क्विक रीकैप दे सकते हैं इसका, एग्रीकल्चर गुड्स का? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं. सर अभी तो हमने नहीं समझ आ रहा है बिल्कुल भी. ठीक है, असल में हम सिर्फ डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन फॉलो करते हो बाकी लोग जो हैं, जो ऑडियो में बोलते नहीं नॉर्मली, डिस्कशन फॉलो करते हो. ये डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं मतलब मैं टाइम लगा दूं किसी एक चीज पे, इसीलिए कि वो आप लोगों को समझ में. अच्छा सवाल पूछा लोगों ने यार कि इनइलास्टिक डिमांड है तो क्या होगा. खैर अब ये देखें, ये होगा जनरली, तो ये होगा एग्रीकल्चर गुड हो या डीमेरिट गुड हो या इम्पोर्ट्स की बात हो, मिनिमम प्राइस का इफेक्ट तो सेम होगा, क्योंकि मिनिमम प्राइस आप सेट करेंगे अबव द इक्विलिब्रियम. ठीक है, इसको जरा सा मिटा दूं ताकि थोड़ा साफ हो जाए. ठीक है, आप मिनिमम प्राइस सेट करेंगे अबव द इक्विलिब्रियम और फिर क्या होगा, एक गैप हमेशा आएगा, क्योंकि जब भी प्राइस सेट होगी अबव द इक्विलिब्रियम तो देयर वुड बी अ गैप इन द मार्केट,
क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा होगी, क्वांटिटी डिमांड कम होगी, इसको हम बोलेंगे एक्सेस सप्लाई, बस इतना सही होगा। अब इसके बाद मेरा सवाल ये था कि यार क्या फायदा हुआ फार्मर को हायर प्राइस ऑफर करने का? हमने बोला आप किसानों को, आपने बोला आप टेंशन ना लें, दिस इज द मिनिमम एट विच योर गुड्स विल बी सोल्ड, तो आप टेंशन ना लें, एज अ गवर्नमेंट हमने उनको वादा किया कि हम आपकी कम से कम इतनी प्राइस ऑफर करेंगे, ठीक है? तो फार्मर ने कहा ठीक है, उन्होंने सप्लाई कर दी 8 मिलियन बोरियां, मार्केट में क्वांटिटी डिमांड सिर्फ 2 मिलियन की थी, तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? सर कैंसिल आउट हो गया, जो नुकसान हुआ था डिमांड में और जो फायदा हुआ था पैसों में, वो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल अब पहुंच रहे हो तुम लोग वहां तक, बहुत अच्छी बात कर रहे हो। अब देखो फायदा क्या हुआ कि यार एक हायर प्राइस तो मिली है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्राइस में फायदा तो हुआ है कि नाउ दे आर सेलिंग एट अ हायर प्राइस, ठीक है। नुकसान ये हुआ है कि यूनिट्स कम सेल हुए, तो अब ओवरऑल फायदा या नुकसान है कौन बता सकता है? अच्छा, और उस सवाल को एक मिनट रोकना, ओवरऑल फायदा या नुकसान है उस पर मैं आ रहा हूँ। उससे पहले ये जो कहानी हम कर रहे थे अरिबा, अगर इसमें ये कन्फ्यूजन है तो ये हम सिर्फ ये कह रहे थे कि अगर एग्रीकल्चर गुड को हम अज्यूम करें यार, क्योंकि ये नेसेसरी है गुड्स हैं तो इनकी डिमांड इन इलास्टिक होगी, नेसेसरी गुड्स की डिमांड इन इलास्टिक होती है, तो उससे फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि जो गैप आएगा मार्केट में वो थोड़ा सा होगा, ठीक है, क्योंकि जितनी इन इलास्टिक डिमांड होगी उतना कम गैप होगा, लेकिन बाकी सब चीज़ें विल होल्ड ट्रू। गैप आएगा, सप्लाई ज़्यादा होगी, क्वांटिटी डिमांड कम होगी। डायग्राम ये और ये, इस डायग्राम में और ऊपर वाले डायग्राम में कोई खास फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है सिवाय इस चीज के ये दोनों जो हैं, सिवाय इसके कि इसमें डिमांड हमने इनइलास्टिक कर दी है, वहाँ डिमांड नॉर्मल थी, कुछ हद तक इलास्टिक थी। डिमांड इनइलास्टिक जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कम गैप आएगा डिमांड सप्लाई में, बस ये हम बात कर रहे थे। थैंक यू सर, आगे समझ। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा अब सवाल ये है, इसको हटा दें, इनइलास्टिसिटी पे भी मैं नहीं जा रहा, अभी मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि पॉलिसी का फायदा हुआ फार्मर को, नुकसान हुआ? इस पॉलिसी का फायदा हुआ या नुकसान हुआ फार्मर्स को? नुकसान। अच्छा देखें, कोई भी किसी भी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस जज करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले ये सोचें कि उस पॉलिसी का मकसद क्या था, व्हाट वाज द मेन इंटेंशन बिहाइंड द पॉलिसी मेकिंग, मकसद क्या था आपके लिहाज से, व्हाट वाज द इंटेंशन? फार्मर्स को प्रॉफिट देना। फार्मर्स प्रॉफिट यार नहीं यूज किया करो, मैंने बोला ना प्रॉफिट का वर्ड ऐसे नहीं यूज किया करो सर, उनके प्राइस बढ़ाना था और वो बढ़ गई यहां पर, इनकम बढ़ाना, इनकम बढ़ाना, उसके लिए हमने प्राइस बढ़ाई, बिल्कुल ठीक कह रही है, इनकम बढ़ाना हमारा मकसद था, प्राइस बढ़ गई, लेकिन फार्मर की जो इनकम है जिसको हम रेवेन्यू भी कहते हैं, वो टोटल आता कैसे है? रेवेन्यू का फॉर्मूला याद है आप सबको, रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस माइनस क्वांटिटी। प्राइस माइनस क्वांटिटी, वेरी गुड। प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ये होता है रेवेन्यू, सही है ना? अगर आपने फॉर एग्जाम्पल फार्मर जो है वो पहले 100 रुपीज उनको प्राइस मिल रही थी एंड देवर एबल टू सेल 100 यूनिट्स 100 बोरियां, तो उनको 10,000 जो है वो रेवेन्यू हो रहा था, दिस वॉज योर इनकम इनिशियली। अब आपने क्या किया, यू गारंटीड देम अ हायर प्राइस, दिस वॉज इनिशियल, नाउ यू गारंटीड देम अ हायर प्राइस, तो आपने कहा कि प्राइस जो हम आपको मिलेगी मिनिमम प्राइस होगी 150। मसला क्या हुआ, क्वांटिटी सोल्ड जो है वो डिक्रीज हो गई, तो रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा या कम होगा? सर डिपेंड करता है कितनी कम हुई है। बेहतरीन बेहतरीन, और इसको हम क्या कहते हैं? इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? ऑन द क्वांटिटी के, वो कितनी ज्यादा डिक्रीज हुई है, कितनी इंटेंसिटी से डिक्रीज। और वो बेहतरीन, और उस क्वांटिटी के डिक्रीज को हम किस चीज से मेजर करते हैं? व्हाट मेजर्स द रिस्पांसिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड? फार्मर को एक्चुअल में फायदा होगा या नुकसान होगा, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है, क्योंकि क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा वो कौन बताएगा? वो बताएगा पीईडी बताएगी। हमने यही पढ़ा था, अगर आपको जरा सा याद हो,
मैं आपको रिवाइज करा दूं चीजें, क्योंकि यार ये सब इंपॉर्टेंट है, सब कनेक्टेड, इकोनॉमिक्स में थोड़ा अंदाजा हो रहा होगा सर। अगर अगर जो गुड होगा वो इनइलास्टिक होगा तो फिर उसकी उसमें फायदा ही होगा, और इलास्टिक होगा तो उसमें नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ा दी है, अब प्राइस बढ़ाने से क्वांटिटी कम हो रही है, हमने देखा क्वांटिटी ट्रेडेड जो है वो कम हो रही है, सही है। ये वैल्यूज छोड़ दें 5 मिलियन 8 मिलियन, इसको छोड़ दें, मैं नॉर्मल वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइस बढ़ाने से क्वांटिटी कम हो रही है, अब क्वांटिटी कितनी कम होगी ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी पे। अगर क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, प्राइस थोड़ी सी बढ़ी क्वांटिटी ज्यादा कम हो गई है, योर रेवेन्यू इज बाउंड टू फॉल। और उसका रीजन क्या है, यहाँ पे जो पीडी है वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक? सर एग्रो बेस्ड ग्रुप इनइलास्टिक होगा सर, इलास्टिक इलास्टिक। अच्छा हाँ, ज्यादा चेंज आया, बिल्कुल बिल्कुल, सब रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। सिमिलरली प्राइस अगर बहुत ज्यादा बड़ी होती, मिनिमम प्राइस आपने बहुत ज्यादा ऑफर कर दी होती और क्वांटिटी में सिर्फ थोड़ा सा चेंज आता इनइलास्टिक, तो इनइलास्टिक होता और रेवेन्यू के साथ क्या होता, बढ़ रहा होता, बढ़ रहा होता। ये भूलना नहीं है बेटा, सारी चीजें कनेक्टेड है। आप लोगों के कुछ इसके मार्क्स का कोई पूछ रहा था कल, बहुत ही घटिया मार्क्स है आप लोगों के, सॉरी फॉर सर, फिर मत बताएं, फिर ना बताएं। हाँ, नहीं नहीं, मेरा दिल भी नहीं है बताने का, मेरा तो दिल था ही नहीं डिस्कस करने का, पूछ लिया था किसी ने तो मैंने कहा चलो आपको मिल जाएंगे, घर तक पहुंच जाएंगे आपके। बिल्कुल सर, नहीं मार्क्स से ना भिजवाए बड़े। हाँ सर, ना भिजवाए जी, घर वाले जो है ना बोलते हैं चीता बन रहे थे, बहुत ही देख लो। बिल्कुल बिल्कुल सही बोलते हैं, हाँ बहुत अच्छा होगा, आई थिंक उससे शायद कोई फर्क पड़ जाए, और तो कोई तरीका मुझे दिख नहीं रहा। नहीं पड़ रहा सर, 17 सालों से सुन रहे हैं, कोई नहीं फर्क पड़ रहा है मुझे तो। नहीं नहीं पड़ेगा बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा खैर, ये मैं खुद नहीं भेज रहा, कॉलेज की पॉलिसी है भाई, तो ये इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, जस्ट अनएम्प्लॉयड डूइंग माय जॉब। मुझे ये बताएं कि यहाँ तक समझ में आ गई कहानी, इसके आगे थोड़ी सी मुश्किल कहानी है जो कि है नंबर 3। देखो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ यार, और अगर आप फॉलो करते हैं ना साथ साथ तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही है चीज़ें, नहीं कर रहे तो बड़ा मसला है। एक मिनट ज़रा चेक करते हैं कितने लोग सो रहे हैं। ओके, कुछ लोगों ने अभी भी ज्वाइन किया, बहुत आला। तो यार एक काम करेंगे बाकी, क्योंकि अब हमें एक मुश्किल चीज पढ़नी है जो कि है इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट नहीं, हमने टैक्सेस पढ़ने हैं, टैक्सेस मुश्किल चीज़ है ना, थोड़ा समझने वाली चीज़ है इसमें। तो पहले तो जो लोग सो रहे हैं, जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है क्लास में, उनको बाहर कर देते हैं, आप सिर्फ प्रेजेंट लिख के भेज दें जो लोग सुन रहे हैं, ताकि जो लोग प्रेजेंट नहीं लिखे उनको मैं बाहर कर दूँ क्लास से। अरे बेहतरीन, सभी सुन रहे हैं, अहमद मुनीर तुम तो सुन ही रहे हो मुझे पता है, क्या बात है। अली अली भाई, सैयद अली, ये तो ठीक है। ओके ठीक है देन, थैंक यू। अब एक काम करते हैं कि हम शुरू करेंगे टैक्सेस को, टैक्सेस को समझने के लिए। टैक्सेस एक तरीके से है क्या, टैक्सेस एक डेफिनेशन जो है टैक्सेस की, वो तो सिंपली ये होगी कि एन अमाउंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट। चार्ज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम the citizens of a country
इन रिटर्न, रिटर्न में गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, गवर्नमेंट क्या देती है रिटर्न में? सिक्योरिटी, क्या बात है, बहुत बेहतरीन। इन रिटर्न ऑफ सम सर्विसेज, रोड्स बनने वाले, हाँ बिल्कुल ठीक है, ग्राउंड। एक 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 हमारा ना अनस्पोकन कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के साथ कि हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, वो हमारे कुछ सर्विसेज देगी, वो हमें सिक्योरिटी देगी, डिफेंस देगी, वो हमें आर्मी देगी, वो हमें पुलिस देगी, आर्मी पुलिस वगैरह, हाँ रोड देगी, वो हमें लॉज बना के देगी ताकि मसले ना हो, और वो पूरा सिस्टम एजुकेशन देगी, या जो भी चीज़ें मेरिट गुड्स देगी अगर कोई फायदे की चीज़ें हैं। तो ये एक बेसिकली टैक्स की बेसिक डेफिनेशन है। और एक एक डेफिनेशन और भी है, गवर्नमेंट रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो टैक्स है। गवर्नमेंट का नंबर वन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? टैक्स। पैसे कमाने का मेन तरीका इस टैक्सेस, ठीक है। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जी 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 सर, वो जो स्कीम्स जो गवर्नमेंट बता रही होती है वो भी मतलब टैक्सेस के बिहाफ पे होती हैं। कौन सी स्कीम्स? लाइक कोई भी लाइक पुअर्स को हेल्प कर रही होती है, कभी कोई बिल्डिंग वगैरह की, मतलब शेल्टर वगैरह की, लाइक सब बच्चे दो ही अच्छे वाली स्कीम है ना? नहीं नहीं, तुम अपनी बरकत छोड़ दो अभी। मैं वो बिल्कुल सही कह रही है कि स्कीम्स जैसे कि फॉर एग्जांपल बेनजीर भुट्टो फंड है ना, एक क्या कहते हैं उसको, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, BISP, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था, बिल्कुल किया था, वो एक तरीके से हेल्प थी लोगों के लिए। तो ये भी गवर्नमेंट के उसमें, उसी सर्विसेज में आ जाएगा जो गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। अच्छा, ये एक ना गवर्नमेंट इंटरवेंशन का जो तरीका है ना, उनमें हम इसको भी लिखेंगे। हम नंबर थ्री तक पहुँच गए। नंबर थ्री में हम लिख रहे हैं टैक्सेस। टैक्सेस भी ना हम सिर्फ लिखेंगे, अभी इनडायरेक्ट होता है कि उसकी टेंशन ना लें, और मैं उसको बताता हूँ क्यों लिखा हमने इनडायरेक्ट। और अभी यहाँ देखें, तो ये टैक्सेस को हमने डिफाइन कर लिया एज एन अमाउंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रेवेन्यू। मुझे बस जल्दी से कोई बता दें अगर आप सुन रहे हैं तो, कि गवर्नमेंट रेवेन्यू के अलावा, मतलब टैक्सेस के अलावा, व्हाट इज द अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट? और कोई रेवेन्यू सोर्स होता है गवर्नमेंट के लिए? कोई और तरीका पैसे कमाने का? पब्लिक इंटरेस्ट से पैसे, पब्लिक इंटरेस्ट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नहीं, एक्सपोर्ट्स तो नहीं एक्जैक्टली, एक्सपोर्ट्स से तो जो बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है वो कमाएगा ना, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा के कमा सकती है। हाँ आपने सही कहा, पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट का है, फॉर एग्जांपल अगर स्टील मिल से कोई प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट का प्रॉफिट है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। या पाकिस्तान रेलवे से कुछ अगर कमाएंगे तो गवर्नमेंट कमाएगी, पाकिस्तान पोस्ट से कोई प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट का पोस्ट, गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, ठीक है। कस्टम भी यार हमारे लिए टैक्स है, छोड़ो, हम उसको भी टैक्स बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम टैक्स को ना बड़ा तरीके से डिफाइन करेंगे। अब जरा मेन काम पे चलते हैं। हमारे लिए टैक्सेस जो है वो दो तरीके के, नंबर वन डायरेक्ट टैक्सेस और नंबर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। हाउ डू वी डिफाइन डायरेक्ट टैक्सेस? डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? जो इनकम पे लगते हैं वगैरह। हाँ, जिन्होंने पढ़ी हो ना बोले तो बेहतर है, सॉरी बट ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हो आप। टैक्सेस ऑन इनकम, डायरेक्ट टैक्सेस को हम डिफाइन सिंपली ऐसे करेंगे, टैक्सेस ऑन इनकम, और कोई बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इनकम से मतलब जो भी आप पैसे कमाते वक्त टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, आपको सैलरी मिली इनकम टैक्स पे किया वो डायरेक्ट टैक्स है, प्रॉफिट कमाया उस पर टैक्स पे किया वो डायरेक्ट टैक्स है, कोई वेल्थ गेन हुई है वेल्थ गेन टैक्स कहलाता है तो वो भी डायरेक्ट टैक्स है। पैसे भी आपको मिले इनकम के वक्त जो आपने पे किया गवर्नमेंट को, दे ऑल विल बी डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। ऑन द अदर एंड वी हैव इनडायरेक्ट टैक्सेस, सिर्फ जो चीजों पे होते हैं लाइक क्रेडिट वगैरह चार्ज कराते हैं तो उस पे जो टैक्स माइनस हो रहा होता है। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। उसको हम क्या बोलेंगे? टैक्सेस ऑन सेल्स, एक्सपेंडिचर, खर्चा करते हो आप जितना भी टैक्स पे करते हो, एक्सपेंडिचर ना, आपने जितना भी चीजें कंज्यूम करते हो एक्सपेंडिचर करते हो, जो आपने टैक्स पे किया है वो सब इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, डायरेक्ट टैक्सेस से आप नॉर्मली इस्तिस्ना हो सकते हैं, इस्तिस्ना मतलब आप बच सकते हैं, कैसे? नो इनकम नो डायरेक्ट टैक्सेस, मेजोरिटी ऑफ यू आई वुड बिलीव कि यू आर नॉट अर्निंग एनी इनकम, यू आर नॉट पेइंग एनी टैक्सेस इन डायरेक्टली,
इनकम ही नहीं है तो टैक्स आपको पे करने की जरूरत नहीं है। इवन इफ इनकम है तो भी उसमें बड़े तरीके हैं कि आप हर कोई टैक्स पे नहीं करेगा डायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट ने एक सेट किया हुआ होता है मिनिमम, मतलब पाकिस्तान का जो तरीकेकार है जनरली मैं आपको बता दूं तो ये है कि इनकम को, अच्छा मैंने बताया था कि वी रिप्रेजेंट विद वाई, ये मैं साइड पे कहीं पे कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। बस ये इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं वाई से, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ टैक्स रेट। यार इसको ना बेहतर कि किसी और चीज से कर ले, इनकम और टैक्स रेट। तो गवर्नमेंट बोलेगी कि अगर आपकी इनकम जो है ना, सालाना इनकम की बात हो रही है, ईयरली इनकम फॉर एग्जांपल इज लेस देन, उन्होंने बोला कि ये ईयरली इनकम जो है वो कम है 1 मिलियन से फॉर एग्जांपल, इतना तो नहीं करते लेकिन चलो उन्होंने बोल दिया, उसको ना 6 जीरोस लिखने से बेहतर है कि आप 1 मिलियन ऐसे लिख दें। 1 मिलियन से कम इनकम अगर आपकी सालाना, 10 लाख रुपए से कम कमाते हैं आप सालाना, तो आपको 0% टैक्स देना है, ठीक है। 1 मिलियन नहीं है पाकिस्तान में, आई थिंक 4.5 लाख ऐसा कुछ है, बट जो भी है, तो अगर आप 1 मिलियन से कम कमाते हैं ऑलमोस्ट इतना ही है सालाना, तो आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना। और अगर आप 1 मिलियन से फॉर एग्जाम्पल 2 मिलियन के दरमियान कमाते हैं तो आपकी इनकम का 10% जो है वो गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी। अगर आप 2 मिलियन से 5 मिलियन के दरमियान है तो गवर्नमेंट जो है वो 15% टैक्स ले लेगी। और अगर आप 5 मिलियन से ऊपर कमाते हैं, आप जितना भी कमाते हैं सालाना, उस पर गवर्नमेंट जो है वो 20% टैक्स लेगी। सिमिलर है टू व्हाट द एक्चुअल कमाई, क्या सिर्फ एक जगह से या मल्टीपल रिसोर्सेज से भी हो सकती है? मतलब ये अच्छा सवाल है। ये गवर्नमेंट ना हाउस होल्ड को टैक्स नहीं करती, गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स को टैक्स करती है। मतलब कि अगर मेरे घर में मेरी इनकम जो है वो सालाना 1 मिलियन से कम है तो मैं टैक्स पे नहीं करूंगा। अब मेरे वालिद साहब की इनकम भी सालाना 1 मिलियन से कम है तो वो भी टैक्स पे नहीं करेंगे। वो ये गवर्नमेंट ये नहीं देखेगी हम दोनों मिला के 2 मिलियन कमा रहे हैं या 1 मिलियन क्रॉस कर रहे हैं तो फिर हम टैक्स पे नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जी, जैसे सर फॉर एग्जांपल आप पढ़ा रहे हैं और फिर आपका साइड में कोई स्टार्टअप है, आप उससे भी कमा रहे हैं, फिर आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, तो वो सारे फिर एक बंदा कमा रहे हैं ना वैसे तो। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप टैक्स पे नहीं करेंगे, ठीक है ठीक है, समझ गया। सर एक बार रिपीट कर देंगे, डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं हम नहीं कर रहे भाई रिपीट यार, तो बड़े मसले हैं। अच्छा सुनो, देखो हमने अभी कोई बात नहीं की, हमने कहा कि इनकम और टैक्स रेट जो होता है ना नॉर्मली गवर्नमेंट इस तरीके से करती है कि अगर फॉर एग्जांपल 1 मिलियन से आप कम कमाते हैं सालाना तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई कि आप जो है ना कोई टैक्स ना दें। तो मेजोरिटी ऑफ द पाकिस्तानीज आर नॉट पेइंग एनी इनकम टैक्स ना, बिकॉज दे अर्न लेस देन अ मिलियन। मिलियन नहीं है वैसे, कितना एग्जैक्टली मुझे 8.5 लाख है मेरे ख्याल से, ऐसी कुछ है, तो आप टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है आपको। और फिर अगर आप 1 से 2 मिलियन के दरमियान कमाते हैं तो आप 10% टैक्स पे करें, 2 से 5 मिलियन के दरमियान कमाते हैं तो 15% टैक्स पे करें, ग्रेटर देन 5 है तो 20% टैक्स पे करें। आपके हिसाब से ये अच्छी बात है, ये अच्छी पॉलिसी है, बड़ी है, क्या अच्छा है इस पॉलिसी में और क्या बुरा है? एक तो एज एन इकोनॉमिस्ट, एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ एक चीज, बस आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हर चीज में ना सिर्फ कोई चीज होली एंड सोली अच्छी या बुरी नहीं होती, आप उसमें कोई अच्छाई और कोई कीड़ा निकाल सकते हैं। तो जी आप बोल रहे थे, बोले। सर मैं कह रहा था जो लोग बिलियंस में कमाते हैं जिनकी मल्टी मिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज है, मतलब वो भी 20% ही क्या सिर्फ देंगे टैक्स? और जैसे कोई बंदा स्ट्रगल कर रहा है, कोई स्ट्रगलिंग वो है बिजनेस है और वो 5 मिलियन कमा रहा है तो गवर्नमेंट उससे 20% ले रही है, उसको लिहाज करना चाहिए। स्ट्रगलिंग बिजनेस 5 मिलियन नहीं कमाता, लेकिन सही है 50 लाख हो गए 5 मिलियन तो कोई मतलब कोई बड़ा वो स्टार्टअप हो तो हो सकता है कमा ले यार। इस मतलब मैं बता रहा हूँ कि एक आखिरी वैल्यू होगी जिसके ऊपर ना गवर्नमेंट बोलेगा आप जितना भी कमाते हैं उतना ही टैक्स पे करेंगे, 5 की जगह 10 कर दो इसको, इसको टोटल 10 कर दो, इसको 10 कर दो, बट ये मैटर नहीं करता। मैं अभी सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताएं ना कि ये पॉलिसी अच्छी है बुरी है, अच्छी है तो क्यों है, बुरी है तो क्यों है? सर जी, सर जब हम इनकम पे टैक्स पे कर देते हैं तो फिर हम उनकी सर्विसेज पे क्यों कर रहे होते हैं? मतलब हर जगह पे हम टैक्स ही भर रहे हैं, बस हम हमारे पास क्या बचेगा?
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल सही कही। अगर हम इनकम पे भी टैक्स पे कर रहे हैं, फिर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पे कर रहे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? लेकिन क्या करें, हमें करना पड़ रहा है क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ गवर्नमेंट के साथ। सर हमारी आर्मी नंबर वन ऐसी थोड़ी हुई है, किसी ऐसी वजह थोड़ी से हमको जरूरत है पैसों की। खैर वो उस पर हम आते हैं, उस डिस्कशन बात है। मैं आपसे सिर्फ ये बोल रहा हूँ, पॉलिसी इस तरीके की अगर बनाई जाए कि यार जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स रेट होगा, तो क्या ये पॉलिसी अच्छी है बुरी है, कैसी है आपके लिहाज से? अच्छी नहीं है, नॉर्मल है सर। गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है। सही है सर, सही है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो चलना है ना, उसके लिए टैक्सेस चाहिए उसे। नहीं, गवर्नमेंट को टैक्सेस तो चाहिए। मैं से बोल रहा हूँ कि यार ये जो तरीके का है कि हायर द इनकम हायर द टैक्स रेट, इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग? सर गुड है सर, नो इट्स नॉट अ गुड थिंग। सही है, क्योंकि एक मिनट बैलेंस सर सोसाइटी में बैलेंस हो जाता है, गरीब और अमीर में कम फर्क रह जाता है। तो हम रॉबिन हुड बन जाए, मतलब हम अमीरों को लूटें और गरीबों में बांटे? नहीं सर, मतलब अमीर तो सर फिर अमीर तर होता जाएगा ना अगर ऐसे नहीं होगा तो, फिर इसलिए अच्छी है, अच्छी पॉलिसी है, अच्छी है। तो और उसमें गरीबों को फायदा है। लेकिन सर जब अमीर इतना एफर्ट कर रहा है, वो कमा रहा है, तो फिर उसकी भी क्या गलती, मतलब गरीब भी एफर्ट कर ले। हाँ क्या बात है, बेहतरीन बात की आपने, बिल्कुल सही कह रही है यार ये तो। मतलब अगर मैं ज्यादा एफर्ट कर रहा हूँ और मैं ज्यादा इनकम कमा रहा हूँ, इसीलिए कमा रहा हूँ कि मैं गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे दूँ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी इनकम, ये भी सही है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सारे पेट्रियोटिक कोई नहीं होता यार, थोड़ा सा जब बंदा समझने लगता है ना चीजों को, तो पहली चीज जो हम क्लियर करते हैं ना अपने ध्यान में वो पेट्रियोटिक। सर ये चीज जब सही होती है, जब सिर्फ इनकम पे टैक्स लग रहा होता, सर्विसेज पे नहीं लग रहा होता, तो हम बोलते हैं कि चलो सही है, फाइन, दूसरी जगह नहीं दे रहे, हम हर जगह पे देते ही रहे, बस अमीर का यही काम है। अच्छा देखें, अच्छा आप लोगों ने बिल्कुल बेहतरीन बातें की हैं, और यही दोनों इसमें मसले हैं। तो प्रोग्रेसिव टैक्स पर अगर कमेंट, अच्छा इसको पहले तो हम कहेंगे कि ये टैक्स सिस्टम जो है ना, दिस सिस्टम इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। अच्छा ये नोट्स हम बड़े डिफरेंट तरीके से बना रहा हूँ, होपफुली आप कॉपी सही से कर रहे हो, क्योंकि चीज़ें आगे पीछे हुई हैं। लेकिन अच्छा नोट्स मैं आपको दूंगा अभी ना प्रिंटेड फॉर्म में, तो वो लेकिन अभी नहीं, अभी आप ऐसे ही करें। प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूँ आपको। प्रोग्रेसिव टैक्स होता है अ टैक्स इन विच टैक्स रेट इंक्रीजेस, ए टैक्स रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम। टैक्स रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनकम से, क्या मतलब होगा इसका? इसको हम ये भी कह सकते हैं कि भाई हायर द इनकम हायर वुड बी द टैक्स रेट। इसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। ठीक है, हायर द इनकम हायर वुड बी टैक्स रेट। और इसमें जो नुकसान और फायदे हैं, ये मैं बिल्कुल साइड पे चीजें कर रहा हूँ, प्रोग्रेसिव को हम पूरा अलग से देख रहे हैं। हमने शुरू किया था इन टैक्स ऑन इनकम से, डायरेक्ट टैक्सेस से, हम साइड पे आ गए, हम प्रोग्रेसिव टैक्सेस को समझना शुरू हो गए, बिकॉज ये इनकम टैक्स की एक टाइप है। इसमें अच्छी बात क्या, बड़ी बात क्या, वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पे कहीं पे, गुड और बैड मैं लिख देता हूँ, गुड और बैड करके लिख देता ताकि आपको याद रहे। व्हाट्स गुड इन दिस, गुड ये है कि भाई फेयर फॉर द रिच, सॉरी फेयर फॉर द पुअर। तो जो लोअर इनकम ग्रुप्स pay less, अच्छा pay less के बाद ना pay less tax नहीं बोले, pay less proportion, proportion का word important है, proportion या percentage, क्योंकि आप देखें rate का word use किया मैंने हर जगह, rate, proportion, percentage, तो they pay less proportion of their income as tax. इसको भी copy कर ले। और लास्टली बैड क्या है इसमें, इसमें जो बुरी चीज है वो क्या है,
बुरी चीज वही है जो अरिबा ने बोली, वो बहुत अच्छी बोली कि ये बड़ा मसला है अमीरों के लिए कि दिस डिस्करेजेस पीपल टू अर्न मोर, क्योंकि आपको पता होगा यार मैं थोड़ी और मेहनत करूंगा तो मैं और टैक्स पे करूंगा तो मेरी वह एडिशनल इनकम खुद तो कम ही आएगी बाकी टैक्स में जाएगा, तो लोगों को डिस्करेजमेंट मिलती है कि हम बिना वजह मेहनत क्यों करें, व्हाई शुड वी अर्न मोर, तो एक तरीके से डिस्करेजमेंट है, ये इसका नुकसान है। इसमें अच्छी बात यह है कि ये गरीबों के लिए थोड़ा बेहतर है कि दे पे लेसर प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम एज टैक्सेस। प्रोपोर्शन का वर्ड इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सर जी, सर अभी आपने बोला कि सर अभी आपने बोला कि हम लोग लेस प्रोपोर्शन का वर्ड यूज करेंगे गुड में, तो सर लेकिन वो स्पेसिफिक इनकम जो सेट की गई है उससे कम अगर किसी की इनकम है तो वो तो पे ही नहीं करे ना टैक्स। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब कि अगर उसकी इनकम जो है वो 1 मिलियन से कम है सालाना तो हाँ हाँ तो जीरो भी एक प्रोपोर्शन में आ जाएगा, दे पे जीरो प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम एज टैक्स। लेस कवर्ड जो है उसको भी अकाउंट फॉर कर लेगा जीरो को भी। सर अभी क्लास में आपने काफी दफा कहा है कि हम बात जब करते हैं तो फिर एक जनरली स्पीकिंग मतलब एक बात कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर पाकिस्तान में तो अगर हम जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर ज्यादातर लोग तो गरीब है ना, तो सर फिर तो फायदे ही है इस इनकम। हाँ बिल्कुल 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 अच्छी बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम इज द बेस्ट पॉसिबल टैक्स सिस्टम, इज द बेस्ट पॉसिबल टैक्स सिस्टम व्हेन वी टॉक अबाउट कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जहां पे मेजॉरिटी गरीब है। सर अंडर टेबल ले लेते हैं फिर वो इनकम, ये हम कह सकते हैं क्योंकि लोग अपनी फिर इनकम शो नहीं कराते। करप्शन भी है, बिल्कुल है, इसका भी कुछ सर। लाइक ऐसा होता है कि हाफ सैलरी वो लेते हैं लाइक पूरे लीगल तरीके से, बाकी वो अंडर टेबल ले लेते हैं, मतलब क्या जरूरत है टैक्स पे करने की। हाँ ये बिल्कुल होता है। लेकिन सर आजकल एफबीआर छापे बहुत मार रही है ऐसे लोगों पे, एफबीआर खुद टैक्स पे नहीं कर रही सही से। ये भी ठीक है सर। ये बड़ा मसला है ना, अंडर टेबल शुरू ही उन्होंने किया था। खैर मसला ये है कि खैर ये हमें समझ में आ गया, प्रोपोर्शन प्रोग्रेसिव टैक्स तो हो गया पूरा ठीक है। उसके ऑपोजिट अब हमने शुरू कर दिया ना चीजें, तो मैं जरा सा एक सिस्टम दिखा दूं आपको। उसके ऑपोजिट क्या होगा? रिग्रेसिव टैक्स। ये तो ये पूरा जो डब्बा हमने बनाया है ये आपको कॉपी करना है फॉर प्रोग्रेसिव टैक्सेस ठीक है। अभी मैं इसको यहीं पे सर आप यहीं रुक जाएं, उससे पहले कल की क्लास का और आज की क्लास का आप सर स्क्रीनशॉट्स लेने, मुझे मतलब सही से मतलब आगे पीछे हो गया है सब कुछ। सही 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 सही। यहाँ से हमने शुरू की थी कहानी, ये तो खत्म हो गया था। मार्केट फेलियर हमने शुरू किया है यहाँ से ना, सॉरी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन हम पढ़ रहे हैं, ये बेसिक्स हमने डिस्कस की थी, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, इसको कॉपी करें, अपने पास अच्छी तरीके से नोट्स बनाएं। हाउ डज द गवर्नमेंट इंटरवीन, मैंने कहा था यहाँ पे लाइन्स छोड़ दें, हम ऐड करते रहेंगे चीज़ें सिमिलरली, और यहाँ पे भी लाइन्स छोड़ दें कि वाई इज देयर नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तो वो भी हम अभी ऐड करेंगे। 1 और 2 लिखा हुआ है हमने। उसके अलावा हमने मैक्सिमम प्राइस पढ़ा था, ये पूरा उसका पार्ट है। इसमें एक मसला है कि ये नहीं, मेरे पास सारा मिक्स हो गया आगे पीछे। हाँ सर स्क्रीनशॉट में ये वो दिखेगा ही नहीं, को बहुत छोटा है कुछ बहुत बड़ा है, दिख ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, मैं कहां भेज दूंगी सर, मैंने सही से मैं ग्रुप पे पिक्चर भेज दूं। हाँ बेहतरीन यार, कौन कौन बोल रहा है? साथ। हाँ साथ प्लीज भेज देना यार, थैंक यू, प्लीज स्पाइरल में करके भेजना, थैंक यू। और इसके बाद ये भी बिल्कुल सही है, मिनिमम प्राइस और फिर टैक्सेस हमने शुरू किया। हम ये पढ़ रहे हैं यार, जाहिर सी बात है ना, यहाँ पे मैं बोर्ड की तरह तो लिख नहीं सकता ना, और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है तो मैं वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करता रहता हूँ। खैर आप उसको अपने हिसाब से कॉपी करें, ये आपकी नोट मेकिंग स्किल्स हैं, आप कितने अच्छे नोट बना रहे हैं ना, मैं डिक्टेट करवा सकता हूँ यहाँ पे जैसे हम क्लास में करते हैं। और लेकिन इसके बाद आप बुक रीडिंग करेंगे ना, बुक रीडिंग करेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, उससे आप अलग से नोट्स बनाएंगे, आप प्रॉपर स्टूडेंट की तरफ पढ़ेंगे तो कितनी अच्छी बात होगी। लेकिन आप नहीं पढ़ रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे आप लोग? इतना टाइम मिला हुआ आपको पढ़ने के लिए और जाया कर रहे हैं। खैर उस पर भी डिस्कशन करते हैं।
प्रोग्रेसिव टैक्सेस को हम यहाँ पर करके छोड़ रहे हैं ताकि हम फिर हम कल टैक्सेस का मुश्किल पार्ट नहीं देखा हमने जस्ट बाय द वे अभी तक, वो हम कल देखेंगे इंशाल्लाह उसको टैक्सेस को वाइंड अप करते हैं। सर आपने तो मैथ्स में मेरा दिमाग घुमाया हुआ है, कभी कुछ टॉपिक कभी कोई टॉपिक कभी कोई टॉपिक। ठीक है ये भी ठीक है, वो मैथ्स में करते हैं डिस्कस, बिल्कुल ठीक है। अब एक काम करते हैं कि क्लास को हम खत्म करेंगे। अच्छा एक चीज़ और भी जाने से पहले लास्ट चीज मुझसे ये डिस्कस कर लो कि मैं ये चाह रहा हूं कि हम वो कर लें, एक सेकेंड तुम लोग की चैट अप पढ़ रहा हूँ मैं, कर लो ठीक है ओके। तो जिस मैथ्स में जो लोग हैं उनको पता होगा हमने इंडिविजुअल कॉल्स की हैं लोगों को, तो मैं चाह रहा हूँ इकोनॉमिक्स में भी हम ये वाला काम करें कि हम इंडिविजुअल थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ अटेंशन मुझे मिले आप लोगों की और आपके मसले जो है इंडिविजुअल लेवल पे हम हल करें, इसके बारे में ग्रुप पर जरा शेयर कर दूंगा, टाइम भी निकालते हैं और फिर उसको डिस्कस करते हैं। कोई आपके इंडिविजुअल मसले हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे आप शेयर करें पर्सनली और उस पर हम काम करेंगे, फिर फ्राइडे और सैटरडे को हम रिवीजन करेंगे पुराने चैप्टर्स का। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।